आज मैं आपसे बात करूंगा बच्चों का कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाए। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूं इसके विषय में, कुछ भी आपके सवाल होंगे तो आप हमारे ऐप पर फ्री चैटिंग कर सकते हैं और आपको जवाब मिल जाएंगे। मेरा ऐप है डॉक्टर केळकर नाम का, वो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो ऐप के ऊपर ऑनलाइन कोर्सेज है, फ्री चैटिंग है, फ्री वीडियोस है, उसका फायदा आप उठा सकते हो। तो आइए अब बात करते हैं कि बच्चों का कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए। देखो, हम बच्चों को जब सूचना देते हैं ना, तब वो सूचना डर के साथ नहीं देना चाहिए। मतलब क्या है, छोटा बच्चा है 3 साल का 4 साल का, उसको बोलते खाना खा ले, नहीं खाना खाएगा तो मैं तुझे भूत के हवाले कर दूंगा। उसको डर लगता है, खाना खाना नहीं खाया तो भूत के हवाले, या तो पढ़ाई कर या तो पुलिस आके लेके जाएंगी। तो इस तरह के जो सजेशंस हम देते हैं बच्चों को, वो उनके दिमाग में जाके बहुत फिट बैठ जाते हैं और उनको डर बैठ जाता है, उनका कॉन्फिडेंस निकल जाता। मतलब हर काम वो इसलिए करना सीखता है कि वो काम नहीं किया तो बहुत बड़ा कुछ तो भी हो जाने वाला है, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, और वो डर के जीते रहता है और डर के मारे वो काम करना सीख जाएगा। तो हमको वो नहीं होना चाहिए, वो काम करना है डर के लिए नहीं, वो काम करना है करके करना है, डर है इसलिए काम नहीं करना है। फिर दूसरा जो है नेक्स्ट, वो है कि आपने कभी यस पापा यस मम्मी नहीं बनना चाहिए। मतलब क्या है, मतलब बच्चा पूछता है मुझे ये चाहिए, बोलता है यस बेटा, मुझे वो चाहिए यस बेटा, मुझे वहां लेके चलो यस बेटा। मतलब हर बार उसने बोलने की ही देरी है और आप उसको तुरंत फटाफट दे देंगे। क्या होता है कि मुझे बचपन में नहीं मिला जो मुझे चाहिए था, वो तभी क्या है, मैं क्या करता हूँ, मुझे जो नहीं मिला वो मेरे बेटे को देने के लिए तैयार रहता हूँ कि नहीं मुझे नहीं मिला ना, चलो उसको तो मिलना चाहिए। तो मुझे नहीं मिला वो देने के लिए मैं एकदम तैयार रहता हूँ जो नहीं रहना चाहिए, मगर मुझे बचपन में जो मिला वो मैं नहीं दे रहा हूँ। बचपन में मुझे क्या मिला, बचपन में मुझे मेरे पिताजी ने कॉन्फिडेंस दिया, वो मिला है मुझे, वो दिलाया मुझे, इंडिपेंडेंट किया मुझे, डेयरिंग दिया मुझे, खुद ने करने की उन्होंने एक ट्रेनिंग दिया कि भाई खुद का काम खुद ने कैसा करना है, जो मिला वो नहीं दे रहा मैं, वो तो रेडीमेड दे रहा बच्चों को। तीसरा, बच्चों को डिसीजन खुद लेने दो, और बच्चों को डिसीजन आप लेने देंगे तो फिर उनकी डेवलपमेंट उसमें होंगी। हम बच्चों को सब फीड करेंगे, आज कौन सा शर्ट पहनना है, बैग कैसी रखना है कंधे के ऊपर, क्या खाना है, मतलब सब हम उनके ऊपर थोपेंगे, उनको कुछ उनका दिमाग बड़ा करने के लिए कुछ चांस देंगे नहीं, कोई क्रिएटिविटी नहीं, कोई डिसीजन मेकिंग एबिलिटी डेवलप नहीं करना है, तो बड़ा होकर कैसा होगा, उसका आत्मविश्वास निकल जाता है क्योंकि वो डिसीजन के लिए हर बार फिर अपने मम्मी पापा की तरफ आएंगा कि बोलो क्या करना है। तो फिर चौथा जो है वो कि सोल्यूशन देना नहीं है कुछ भी चीज़ का। बच्चा आता है मम्मी को पूछता है कि मम्मा मैं क्या करूँ, तो तुरंत मम्मी तैयार रहती है सोल्यूशन देने के लिए, मैं अभी फिजिक्स की पढ़ाई करूँ या केमिस्ट्री की पढ़ाई करूँ, सोल्यूशन तैयार है केमिस्ट्री के कर, बोले ठीक है मम्मा केमिस्ट्री के करता हूँ। तो ये नहीं करना चाहिए, उनको सोल्यूशन देना नहीं है, उनको पूछना है कि तुमको क्या लगता है, तुमको क्या लगता है कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए, तुम्हें कौन सी जरूरत लगती है पहले करने की, मम्मी मैं अभी स्नान करूँ कि बाद में स्नान करूँ, सोल्यूशन तैयार है, मैं खाना कितने बजे खाऊँ, सोल्यूशन तैयार है, खाने में क्या खाऊँ, सोल्यूशन तैयार है, कुछ नहीं बोलना, तुमको जो लगता वो करो, तुमने जो बोला वो देने का काम हमारा है, और वो भी तुरंत नहीं है, क्योंकि तुरंत जब देते हैं तो फिर फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस जो है वो बढ़ता नहीं है। मांग लिया दिया तो फिर उसको आदत वैसे हो जाती है, वो धीरज उसके पास में डेवलप कभी होता ही नहीं है। फिर पांचवा पॉइंट जो है वो है कि आपके बच्चों को खुद को फाइट करने दो, जो भी करना है फाइटिंग। मतलब क्या है कि बच्चों बच्चों में फाइट हो गई, बच्चों बच्चों में झगड़ा हो गया, बच्चा रोते रोते अपने पास में आए, हम क्या करते, तुरंत बाहर निकलेंगे अस्तिने ऊपर करके, चलो देखते हैं वो बच्चे ने तेरे के मारा कैसे क्या। तो बच्चों के साथ में जाके उनके मम्मी पापा को बोलेंगे, उनके साथ में फाइटिंग करेंगे, बच्चा कब डेवलप होगा, तो उसको बोलना तू तेरा निपट, तेरे को जो करना है मैं नहीं आता, तो वो उसको निपटने दो, भले तकलीफ होंगी नुकसान होगा जो भी होगा उसकी मसल्स बिल्डअप हो जाएगी। स्कूल में प्रॉब्लम हो गया, टीचर ने उसको कुछ झाड़ दिया, मार दिया, जो भी कुछ कर दिया है, पनिशमेंट दिया, तो तुरंत जाने का नहीं है स्कूल में टीचर को मिलने के लिए, ऐसा कैसा किया, तू निपट तेरा क्या करना है, तो तू निपट, ऐसा जब हम उसको बोलते हैं तो उसको हम तैयार करते हैं
उसके आगे की जिंदगी के लिए, कि वो जवाबदार इंसान बनेगा, पावरफुल इंसान बनेगा और जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उसको निपटाने की तैयारी में रहेगा। फिर छठवां पॉइंट ये है, बच्चों को कभी भी ऐसे सवाल मत करो कि जो सवालों का जवाब हाँ या ना में होगा। अभी खाना खाएगा उसका जवाब है हाँ या ना, तो ऐसा मत करना है, उसकी डेवलपमेंट नहीं होती है। खाना कब खाएगा, खाना कितने बजे खाएगा, मतलब उसको हम सोचने के लिए प्रमोट करते हैं, उसको प्रमोशन देते हैं सोचने के लिए। आज रात को सब्जी आलू की खाएगा कि गवार की खाएगा, इसके बदले आज रात को सब्जी कौन सी करना है, तुमको क्या अच्छी लगती है, तो फिर वो सोच सकेगा ना क्या करना चाहिए, कौन सी खाना चाहिए। तो कभी भी सवाल जो है वो ऐसे होना कि जिसका जवाब जो है वो हाँ या ना में नहीं होना। हाँ या ना में होता है तो उसमें डेवलपमेंट बच्चों की नहीं होती। फिर सातवां है कि घर में बच्चों को छोटे छोटे काम दो, उसका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। जैसे कोई आता है घर में, कोई गेस्ट आते हैं तो उनको पानी देना है, शरबत देना है, या घर में खाना खाने के बाद में प्लेट्स उठाना है, बेसिन साफ करना है, या जो भी कुछ काम है ऐसे उसको देंगे तो उसको वो काम करने में मजा भी आएगा और वो सीखेगा, उसका कोऑर्डिनेशन मसल कोऑर्डिनेशन डेवलप हो जाएगा और उसको एक अपनापन लगेगा कि नहीं मेरी जिम्मेवारी क्या है और मैंने क्या करना चाहिए, तो वो सीखेगा भी काम कैसे अलग अलग करना। तो आठवां जो है, बच्चों के बाहर के काम जो है वो थोड़े थोड़े उनको करने दो। बाहर के काम समझो बाजू वाले दुकान से जाना है और उसको बोलना है कि ये लग के आ जा, कुछ भी समझो, अपने को लाना भी नहीं है तभी उसको देना है 50 रुपये, बोलना है 50 रुपये लेके जा और चाय की पत्ती के पाउचेस ला, कुछ भी ऐसा, तो उसका ट्रेनिंग उसमें होगा। और जो एक्चुअली काम समझो, अपन जाते रेलवे स्टेशन के ऊपर और हमको समझो वहाँ प्लेटफॉर्म खरीदना है और अंदर जाना है किसको, गेस्ट को लाने के लिए। अब प्लेटफॉर्म वहाँ खरीदना है तो अपन ने प्लेटफॉर्म निकालने का नहीं, उसको ऑनलाइन पैसे ले प्लेटफॉर्म टिकट निकाल, उसको निकालने तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हम कहते नहीं नहीं अभी तू बाजू हो जा, मैं निकालता, हम आगे बढ़ जाते हर बार। समझो आप कहीं भी जाते, दुकान में जाते, कोई चीज़ खरीदी करना है, बच्चों को बोलना तू ये पैसे दे, उसके हाथ में पैसे देना, बोलना देख कितने पैसे वापस लेना है, लिए क्या बराबर, तो उसका ट्रेनिंग उसमें हो जाएगा। नवा पॉइंट है कि कभी भी बच्चों को ये मत बोलो कि तू ये कर नहीं सकता, तू ये कर नहीं सकता, कभी भी नहीं बोलने का है। जब आप बोलते हो तू ये कभी भी नहीं कर सकता या तू कहे कभी नहीं कर सकता, बच्चे का कॉन्फिडेंस निकल जाता है। मैं इसके लिए एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी ऐसी कि दो दोस्त थे एक ही गांव के, एक 8 साल का था एक 13 साल का था, दोनों भी बच्चे गांव से खेलते खेलते गांव के बाहर निकल गए और वहाँ एक बहुत बड़ा कुआं था, वो कुएं के पास में खेल रहे थे। कुएं का बहुत बड़ा पानी था, बहुत ज़्यादा पानी था, एक का पैर फिसल गया और वो कुएं में गिर गया। वो 13 साल का बड़ा लड़का, मोटा सा था, बड़ा लड़का कुएं में गिर गया, तो ये 8 साल का बच्चा जो बाहर था वो चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ बचाओ। वहाँ तो कोई था ही नहीं, वो कुआं बाहर था, गांव के बाहर था कुआं, कोई बचाने वाला नहीं। जब उसने देखा कि कोई बचाने वाला है नहीं तो उसने वहाँ रस्सी पड़ी थी वो लिया, एक बकेट थी उसको रस्सी बांध दिया और नीचे रस्सी छोड़ दिया। वो बड़े वाले ने वो रस्सी को पकड़ लिया और इसने ताकत से उसको खींच के ऊपर लाया। दोनों भी जब गांव में वापस आए तो बोलने लगे देखो ये गिर गया था मैंने उसको निकाला। बड़ा भी बोले कि इसने मेरे को निकाला, छोटा बोले मैंने उसको निकाला। मगर गांव के लोग कोई विश्वास नहीं कर रहे थे, घर के लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, बोले पॉसिबल ही नहीं है, छोटा वाला कैसे बड़े वाले को निकालेगा, ये इतना वजनदार है मोटा है वो कैसे निकाल सकता है उसको, जबकि वो घबराया था, ऊपर का लड़का जो था वो छोटा वाला था, घबराया हुआ था, वो कैसे निकालेगा। तो वहाँ एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था, बोले ये लगता है मुझे कि संभव है, ये मुझे लगता है कि ये संभव है, छोटे वाले ने बड़े वाले को निकाला होगा। तो बाकी लोग उनको पूछने लगे बुजुर्ग व्यक्ति को कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि छोटे वाले ने बड़े वाले को निकाला होगा करके, बोले मुझे इसलिए लगता है कि छोटे वाले को वहाँ बोलने वाला कोई नहीं था कि तू ये कर नहीं सकता, तू ये कर नहीं सकता, उसको लगा कि अपन ही बचा सकते उसको, तो उसने उसको निकाल के बाहर उसकी जान बचा लिया। हम क्या करते हैं बच्चों को, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, रुक मैं करके देता, ऐसा बोलते रहते हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस कभी बढ़ता ही नहीं है। तो ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने के काफ़ी सारे नुस्खे मैंने बताए, सभी माँ बाप को ये काम में आएंगे। आपके जितने भी परिचित माँ बाप होंगे उनको ये जरूर शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।